What's going on, guys? This is After Effects Basic Training Series for Beginners, that is in Hindi language. If you do not understand Hindi language, you can skip this course. But if you still want to learn this course, you are most welcome here. तो जैसे कि ये हिंदी लैंग्वेज में है तो ये मैं लेकर आया हूँ इंडियन पीपल के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो हिंदी बोलते हैं और हिंदी समझते हैं. तो इस कोर्स को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. मेरा नाम राणा है, मैं एक VFX विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हूँ और मैं ये कोर्स आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप आफ्टर इफेक्ट के हर एक टूल को आसानी से यूज़ कर पाएँ. और इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आपको आफ्टर इफेक्ट में कोई भी इशू नहीं होगा, आप आसानी से आफ्टर इफेक्ट को चला पाएंगे और हर एक टूल को यूज़ कर पाएंगे. तो चलिए बात करते हैं आफ्टर इफेक्ट के बारे में कि आफ्टर इफेक्ट है क्या. वेल, आफ्टर इफेक्ट एक ऐसा पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप मोशन ग्राफिक्स कर सकते हैं, विजुअल इफेक्ट्स कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, 2D एनिमेशन कर सकते हैं, 3D एनिमेशन भी कर सकते हैं और भी कई चीज़ें हैं जो आफ्टर इफेक्ट के थ्रू की जा सकती हैं. चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को शुरू करते हैं. पर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए. जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर और आपकी ईमेल पर आपको मिल जाएगी. तो एक ये गुड आइडिया है अपने आप को अपडेट कर रखने का. तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय आफ्टर इफेक्ट CC 2015.3 रिलीज, इसका नाम है, ये लेटेस्ट वर्जन है इस समय का. तो ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है. ये सभी इसके टूल हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं. हम पॉसिबली ये सभी टूल को कवर करने की कोशिश करेंगे. जो भी बेसिक्स ट्रेनिंग सीरीज में आता है मैं कोशिश करूँगा वो सभी टूल आपको इस सीरीज में कवर कराऊँ, ठीक है. तो इस सीरीज के कुछ चैप्टर हो सकते हैं. तो ये इसका पहला पार्ट है. तो पहले पार्ट में हम आफ्टर इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि ये सब टूल और ये सब विंडोज़ क्या है और इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे. तो जैसे कि ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो मेरे पास लेफ्ट साइड में है प्रोजेक्ट विंडो. तो प्रोजेक्ट विंडो में हम क्या करते हैं, हम अपना मीडिया इंपोर्ट करते हैं और उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है और बाद में उस पर वर्क किया जाता है, ठीक है. तो उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे है कंपोजिशन प्रीव्यू विंडो है. यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट का प्रीव्यू यहाँ पे शो होता है और उसके नीचे हमारे पास है कंपोजिशन टाइमलाइन, जहाँ पे हम अपना वर्क करते हैं. इसे वर्क एरिया भी कहा जाता है, ठीक है. तो राइट साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है इसे पैनल बोलते हैं. ये सभी पैनल का हम यूज़ ड्यूरिंग द वर्क करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में आएंगे तो चलिए कुछ मीडिया इंपोर्ट करते हैं. मीडिया इंपोर्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं. तो सबसे पहला तरीका देखते हैं. पहले फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट फाइल और कंट्रोल आई. तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इंपोर्ट फाइल डायलॉग विंडो ओपन हो जाएगी. तो आप कहीं से भी, अपने जहां पर भी आपके कंप्यूटर में कोई मीडिया पड़ा है, इमेजेस, वीडियो, व्हाटएवर कुछ भी है, आप अपने कंप्यूटर में जाएं और उस फोल्डर में से अपने मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर कुछ मीडिया पड़ा हुआ है. यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं और एक आफ्टर इफेक्ट का प्रोजेक्ट है, एक फोटोशॉप की फाइल है और वीडियो फाइल है और एक ऑडियो फाइल भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है. तो जनरली हम क्या करते हैं, मीडिया को इंपोर्ट करने के लिए मीडिया को सिलेक्ट किया और इंपोर्ट के बटन पे क्लिक किया तो मीडिया को इंपोर्ट हो जाएगा. और हम रेंज में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट का बटन दबाए रखें, ऐसे रेंज में भी मीडिया को सिलेक्ट किया जा सकता है. और कंट्रोल का बटन दबा कर भी ऐसे भी हम मीडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इंपोर्ट के बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो वो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑल एक्सेप्टेबल फाइल का एक बटन है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा. बहुत सारी ऑप्शंस, तो ये बता रहा है कि आप अगर किसी एक फॉर्मेट को ढूंढ रहे हैं तो उसे सिलेक्ट करके इस फोल्डर के अंदर वही फॉर्मेट आपको देखेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है इस फोल्डर के अंदर बहुत सारा मीडिया है, इमेजिन कीजिए, तो आप अगर चाहते हैं कि मुझे सिर्फ PNG मीडिया ही ढूंढना है और वेव फॉर्मेट ही ढूंढना है, कोई भी एक फॉर्मेट की तलाश में है, तो यहां से आप उस फॉर्मेट को पिक कर सकते हैं. तो वही फॉर्मेट आपको यहां पे दिखेगा.
चाहे वो जितनी भी फाइल हैं होंगी उस फॉर्मेट की, वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ऑल एक्सेप्टेबल का मतलब है कि आफ्टर इफेक्ट जिस मीडिया पर काम करने के केपेबल होगा वो सारा मीडिया यहाँ पे शो होगा। अगर आप ऑल फाइल कर देंगे तो उसमें हर तरह की फाइल शो करेगा। ठीक है, तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। चलिए दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरे तरीके में हम यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के इस एरिया पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेम डायलॉग विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से फिर से आप मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए इस बार एक फोल्डर इंपोर्ट कर देते हैं। तो मैं एक स्टेप बैक जाऊँगा, तो मेरे पास यहाँ पे न्यू फोल्डर है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इंपोर्ट फोल्डर का बटन है, इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये सारा का सारा फोल्डर इंपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए रीनेम कर देते हैं। मैं एंटर का बटन दबाऊँगा कीबोर्ड से और टाइप करूँगा मीडिया। तो जैसे ही मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा मेरे पास वो सारा का सारा मीडिया यहाँ पे अवेलेबल है जो हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक आफ्टर इफेक्ट का प्रोजेक्ट है जो एक फोल्डर की तरह दिख रहा है मुझे, एक फोल्डर बन गया है इसका और हमारे पास इमेजेस हैं और सारा का सारा मीडिया है। तो चलिए अगर आपको लगता है कि आपको एक और फोल्डर चाहिए तो यहाँ पे एक बटन है क्रिएट न्यू फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। चलिए रीनेम कर देते हैं इसे, मैं टाइप कर रहा हूँ इमेजेस। ठीक है, तो ये इमेजेस का फोल्डर अब इस मीडिया के फोल्डर के अंदर है। अगर मैं इसे बंद करूँगा तो ये सारा का सारा मीडिया क्लोज हो जाएगा। इसे क्लैप्स कर दूंगा तो ये सारा का सारा ओपन हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इस इमेजेस के फोल्डर को सेपरेट करना तो क्या सिंपली इसे यहाँ से उठाकर यहाँ छोड़ देंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, इससे अलग हो गया। तो अगर आप चाहते हैं किसी मीडिया का रीनेम करना तो भी वो कर सकते हैं, एंटर का बटन दबाइए और राइट क्लिक करके भी रीनेम है की ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो एंटर दबाइए और आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो भी आप अपने मीडिया का रीनेम करेंगे वो सिर्फ आपके आफ्टर इफेक्ट के इस प्रोजेक्ट में ही उसका रीनेम होगा, आपके कंप्यूटर में उसका रीनेम नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हैं तो भी आपका वो फोल्डर आफ्टर इफेक्ट के इसी प्रोजेक्ट में क्रिएट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने मीडिया तो इम्पोर्ट कर लिया तो अब इस पर वर्क कैसे किया जाए। वेल, वर्क करने के लिए हमें एक कंपोजिशन क्रिएट करनी होती है। कंपोजिशन क्रिएट करने के बाद हमें अपने मीडिया को उस कंपोजिशन में डालना होता है और बाद में हम उस पर वर्क करते हैं। तो कंपोजिशन क्रिएट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं। पहले हम जाएंगे कंपोजिशन में, न्यू कंपोजिशन, कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट है। तो हमारे पास कंपोजिशन सेटिंग डायलॉग विंडो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है कंपोजिशन नेम, आप अपनी कंपोजिशन का कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ओल HD। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उसके नीचे मेरे पास है बेसिक और उसके साथ है एडवांस। तो एडवांस तो बेसिक ट्रेनिंग सीरीज में नहीं आता तो हम इसे नहीं कवर करेंगे। तो उसके चलिए वापस बेसिक्स में जाते हैं। तो उसके नीचे हमारे पास है प्रीसेट। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे प्रीसेट अवेलेबल हैं पिक करने के लिए। आप यहाँ से कोई भी प्रीसेट पिक कर सकते हैं। तो अगर आपको रेजोल्यूशन की नॉलेज है कि फुल HD रेजोल्यूशन कौन सा होता है, HD कौन सा होता है, तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। तो ये है 720p HD रेजोल्यूशन है, ये फ्रेम रेट इसकी 25 है। तो ये वाला है फुल HD 29.97 इसकी फ्रेम रेट है। तो यहाँ पे 2 की रेजोल्यूशन भी अवेलेबल है, 4 की रेजोल्यूशन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके नीचे है कंपोजिशन की विड्थ और हाइट, यहाँ से भी अपनी कंपोजिशन की विड्थ हाइट घटा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ है लॉक एस्पेक्ट रेशियो। अगर मैं इसे चेक मार्क कर दूँ ऐसे, तो मैं अगर विड्थ घटाऊँ कंपोजिशन की तो उसकी हाइट भी ऑटोमेटिकली घटेगी, बढ़ाऊँ तो भी बढ़ेगी, इसकी घटाऊँ इसकी बढ़ाऊँ तो इसकी भी वही, ये एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे अगर हम इसे चेक मार्क कर दें। अगर मैं इस चेक मार्क को हटा दूं तो ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। चलिए वापस इसे टाइप कर देते हैं 9020x1080। ठीक है, उसके नीचे हमारे पास है पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। तो ये यूजुअली स्क्वायर पिक्सल्स में ही होता है। तो ये इसके रेजोल्यूशन है वाइड स्क्रीन और
तो ये सभी इसके रेजोल्यूशन के ही प्रीसेट हैं, जैसे भी आप प्रीसेट चूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है फ्रेम रेट। फ्रेम रेट आपको बताऊंगा कि फ्रेम रेट होता क्या है। उससे पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपके पास यहाँ पे सारे के सारे फ्रेम रेट अवेलेबल हैं कि जिस पर आप काम कर सकते हैं। आप यहाँ से फ्रेम रेट घटा बढ़ा सकते हैं। तो उसके साथ ही हमारे पास है ड्रॉप फ्रेम, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? अगर आपको लगता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे इफेक्ट आपने डाले हुए हैं और आपका आफ्टर इफेक्ट उस प्रोजेक्ट को प्रीव्यू करने के केपेबल नहीं है, तो वो उसको थोड़ा सा ही प्रीव्यू दे रहा है अगर आपने उसे फुल रेजोल्यूशन पे रखा हुआ है। तो आप उस सिचुएशन में आप अपने रेजोल्यूशन को घटा देते हैं, आपके प्रीव्यू विंडो में वो रेजोल्यूशन आपकी वीडियो आपका प्रोजेक्ट क्वालिटी कम में दिखेगा, पर वो आप उसे प्लेबैक कर पाएंगे। ठीक है, इसे तो आप बाद में भी घटा बढ़ा सकते हैं, तो फिलहाल इसे फुल में रखिए। उसके बाद है स्टार्ट टाइम कोड और ड्यूरेशन। तो कितनी लंबी आपको अपना कंपोजिशन आपको रखना चाहते हैं, तो ये उसकी ड्यूरेशन है। उसके नीचे है बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, इट डजंट रियली मैटर। तो ये है पिक विप, आप इसे सिलेक्ट करें, ये स्क्रीन से कोई भी आप कलर उठा सकते हैं। तो चलिए ओके कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने ये कंपोजिशन क्रिएट की, मेरे पास ये कंपोजिशन टाइमलाइन में एक कंपोजिशन का नेम शो होने लग गया, और उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में मेरे पास ये कंपोजिशन का एक आइकन के रूप में आ गया है। तो इसे एक फोल्डर के रूप में मानिए, अभी तो इसमें कुछ नहीं है। अगर हम इसमें मीडिया अपना डालेंगे तो अगर जब भी हम इसे ओपन करेंगे तो वो सारा का सारा मीडिया हमें उस कंपोजिशन में दिखेगा। तो इसे भी हम सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ ला कर छोड़ दें इसे, ये सेपरेट हो गया। तो ये हमारी कंपोजिशन है जो हमने पहले क्रिएट की है। तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं कंपोजिशन कैसे क्रिएट की जाती है। तो दूसरा तरीका है, यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है जो कि मैंने आफ्टर इफेक्ट के थ्रू ही क्रिएट की थी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो की डिटेल शो हो रही है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये फुल HD वीडियो है और इसकी 30 फ्रेम है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी कंपोजिशन जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो कंपोजिशन का रेजोल्यूशन भी फुल HD हो और उसकी फ्रेम रेट भी 30 फ्रेम, तो अब आप लकीली आपके पास एक वीडियो है जिसकी रेजोल्यूशन भी वही है और उसकी फ्रेम रेट भी वही है जो आप अपनी कंपोजिशन में क्रिएट करना चाहते थे, तो आप इस सेटिंग से सेटिस्फाई हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इस वीडियो को यहाँ से उठाकर यहाँ इस बटन पर लाकर छोड़ देंगे। ये कंपोजिशन क्रिएट का बटन है, तो यहाँ पे छोड़ेंगे तो एक कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कंपोजिशन और क्रिएट होगी। चलिए इसे भी सेपरेट कर देते हैं क्योंकि ये अभी मीडिया के फोल्डर के अंदर थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास अपने प्रोजेक्ट विंडो में दो कंपोजिशन हो चुकी हैं और दो फोल्डर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि इस पहले तो इस फुल HD रेजोल्यूशन की कॉप में जाएंगे और यहाँ पे भी एक वीडियो डाल लेते हैं। वीडियो कैसे डालते हैं, आप यहाँ से भी डायरेक्ट वीडियो को डाल सकते हैं, मैं इसे डिलीट करूँगा, और यहाँ लाकर भी अपने वीडियो को छोड़ सकते हैं, तो भी सेम ही बात है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी आपने जो कंपोजिशन क्रिएट की थी उसमें आपने कुछ गड़बड़ कर दी, आप उसकी सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप कंपोजिशन सेटिंग में आपको दोबारा जाना होगा। तो कंपोजिशन सेटिंग में दोबारा जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शंस है कंपोजिशन, कंपोजिशन सेटिंग्स, और कंट्रोल के इसका शॉर्टकट है। तो हमारे पास ये सेम कंपोजिशन सेटिंग्स स्टाइल ऑफ विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, कंपोजिशन की ड्यूरेशन, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट और विड्थ हाइट, प्रीसेट भी आप चूज कर सकते हैं। रीनेम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ _1 और ओके कर दूंगा। ओके करते ही आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे रीनेम हो गया है। तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं कंपोजिशन सेटिंग्स में जाने का। तो इस कंपोजिशन नेम पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपोजिशन सेटिंग्स,
तो वो भी सेम ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से फिर से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब फ्रेम रेट के बारे में बात करते हैं कि फ्रेम रेट होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि जब मैं इस वीडियो में जाऊंगा, इस कंपोजिशन में जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे है ये वीडियो जिसकी फ्रेम रेट थी 30 फ्रेम पर सेकंड। तो इसका क्या मतलब है कि एक इसका मतलब है एक सेकंड में हमारे पास कितनी फ्रेम्स हैं। अब फ्रेम्स को एक एज ए पिक्चर की तरह मानिए कि हमारे पास भाई एक सेकंड में 30 पिक्चर्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड में जाऊँ तो ये मिली सेकंड है, ये सेकंड है, ये मिनट है और ये आवर्स है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप कर दूँ 1 सेकंड, एंटर का बटन दबाऊँ, तो मैं अभी एक सेकंड वीडियो के एक सेकंड में, तो ये है करंट टाइम इंडिकेटर, ये टाइम इंडिकेटर है। आप यहाँ से इसे स्क्रब कर सकते हैं किसी भी टाइम में जाने के लिए। तो फिलहाल मैं अभी एक सेकंड में हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे वापस आकर मैं कंट्रोल का बटन दबाऊँ, होल्ड करूँ उसे और यहाँ पे क्लिक कर दूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि आप इस समय कितने फ्रेम में हैं, ठीक है। इस समय मैं हूँ 30 फ्रेम। तो क्या मतलब हुआ इसका कि एक सेकंड में मेरे पास 30 फ्रेम है। तो आप यहाँ से फ्रेम बाय फ्रेम भी जा सकते हैं। अगर आप क्योंकि आपके पास यहाँ पे 30 पिक्चर्स हैं तो आप एक एक फ्रेम कर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे प्रीव्यू का एक पैनल है। अगर यहाँ पे आप एक लिखा हुआ है प्रीव्यू फ्रेम और यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट फ्रेम, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो आप एक फ्रेम बैक चले गए। आप इस कंपोजिशन प्रीव्यू विंडो पर ध्यान रखें, अगर मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये स्लाइटली मूव होगी। तो चलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये मूव हो रही है। इसका मतलब है हम कुछ कुछ फ्रेम बैक जा रहे हैं, एक एक फ्रेम कर, ठीक है। तो यहाँ से आप नेक्स्ट फ्रेम पे जा सकते हैं, यहाँ से आप प्रीव्यू फ्रेम पे। तो इसका शॉर्टकट क्या है, पेज अप बैक फ्रेम और पेज डाउन इसका नेक्स्ट फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेम में जाने के लिए पेज डाउन, प्रीवियस फ्रेम में जाने के लिए पेज अप। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जूम इन जूम आउट। तो ये टाइमलाइन में इसका जूम इन जूम आउट है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो टाइमलाइन में जूम इन हो जाएगा। तो यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट है आपके अल्फाबेट की कीज के ऊपर जो नंबर है उसके साथ जो प्लस माइनस है, वहां पर अगर प्लस करेंगे तो जूम इन, माइनस करेंगे तो जूम आउट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जूम की ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से कोई भी जूम उठा सकते हैं, कितना प्रीव्यू का आपका आपको आप जूम चाहते हैं, ठीक है। फिट अप टू 100% करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा प्रीव्यू दिखेगा आपके प्रोजेक्ट का। और आप अपने माउस व्हील से भी स्क्रॉल कर सकते हैं जूम इन जूम आउट, ठीक है। अगर आप अल्ट का बटन दबाएं तो जहाँ पे भी आपके माउस पॉइंटर होगा वहाँ पर अगर जूम करेंगे तो वो वहाँ पे जूम करेगा, ठीक है। और आप अपने स्पेस बार को होल्ड रखें तो ऐसे भी आप अपने कंपोजिशन को मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वापस फिट अप टू 100% कर दूंगा। तो यहाँ पे आएंगे हम, देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शंस है विजिबल और अनविजिबल। तो ये इस लेयर को विजिबल कर देगी, इनविजिबल विजिबल, ठीक है। तो यहाँ से विजिबल और अनविजिबल हो जाता है ये लेयर, पर ये लेयर यहाँ पे मौजूद रहेगी। उसके साथ हमारे पास है ऑडियो की, म्यूट ऑडियो और बैक ऑन, ठीक है। फिलहाल मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ। उसके साथ हमारे पास है सोलो के ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे और मीडिया है, लेट्स ऐड सम पिक्चर इन देयर। तो मेरे पास यहाँ पे एक और पिक्चर है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इस कंपोजिशन में सिर्फ यही वीडियो ही देखनी है, यही लेयर को देखना है, तो मुझे यहाँ से इस सोलो के बटन पे क्लिक करना होगा। तो मुझे और कोई भी मीडिया नहीं दिखेगा, सिर्फ यही वीडियो दिखेगी, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी एक लेयर को देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है लॉक का बटन। अगर मैं लॉक कर दूं इसे, ऐसे डिलीट कर देते हैं इमेज को, अगर मैं इसको लॉक कर दूं तो मैं इसे यहाँ से मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर आपके पास बहुत सारा मीडिया पड़ा है और आप नहीं चाहते कि बाय एक्सीडेंट मैं इसको इसकी सेटिंग को हिलाऊं, इसकी पोजीशन और इसकी रोटेशन को हिलाऊं, ठीक है। तो मैं इसे वापस अनलॉक करता हूं।
तो चलिए बात करते हैं टाइम इंडिकेटर की। तो ये है टाइम इंडिकेटर, आप अपने वीडियो को यहाँ से स्क्रब कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कितने फ्रेम पे हैं और कितने सेकंड पे हैं। तो यहाँ पे भी इसका प्रीव्यू शो हो रहा है कि आप कितने फ्रेम पे हैं। अगर आप वापस ऐसा कर दें तो ये टाइम डिस्प्ले हो रहा है इस समय, तो ये बता रहा है कि आप 28 मिली सेकेंड पे हैं। ये सेम प्रीव्यू यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो उसके साथ हमारे पास है ये टेक स्नैपशॉट, ये प्रीव्यू का स्नैपशॉट ले लेता है। तो यहाँ से स्नैपशॉट शो होगा। तो ये है शो चैनल एंड कलर मैनेजमेंट सेटिंग, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये है रेजोल्यूशन, ये वही रेजोल्यूशन है जो हमने कंपोजिशन क्रिएट करने के समय देखा था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, चलिए एक बात बता दूं मैं आपको कि आफ्टर इफेक्ट में कोई भी वीडियो रियल टाइम में नहीं चलती। रियल टाइम में कहने का मतलब है कि जैसे कि आप कोई भी वीडियो अपने कंप्यूटर में अपने VLC प्लेयर और विंडो मीडिया प्लेयर, जो भी प्लेबैक प्लेयर है आपका, उसमें देखते हैं तो वो वीडियो लगातार चल रही होती है बिना किसी रुकावट के, तो वो उसे कहते हैं रियल टाइम। पर आफ्टर इफेक्ट में वीडियो रियल टाइम में नहीं चलती। आफ्टर इफेक्ट पहले उस वीडियो और उसके उस प्रोजेक्ट के डाटा को पहले वो रीड करता है, रीड करने के बाद उस डाटा को टेम्परेरली स्टोर करता है और बाद में उसका प्रीव्यू दिखाता है, ठीक है। तो पहले उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किसी भी मीडिया को, किसी भी प्रोजेक्ट को रैम प्रीव्यू करना होता है। रैम प्रीव्यू करने के लिए हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे एक प्ले और स्टॉप का बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो वीडियो का रैम प्रीव्यू होना शुरू हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर एक ग्रीन लाइन चल रही होगी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन लाइन यहाँ से यहाँ तक भर गई है। तो ये पूरी क्यों नहीं भरी, वेल क्योंकि आफ्टर इफेक्ट इस वीडियो को अभी हाई रेजोल्यूशन की तरह समझ रहा है और ये समझ रहा है कि आपके कंप्यूटर में ज़्यादा रैम नहीं है और ये वीडियो इतनी ही प्लेबैक होगी अगर आपने इसे फुल रेजोल्यूशन पे रखा। तो अगर आप इसे, ये बता रहा है कि अगर आप इसे इस रेजोल्यूशन को घटा देंगे तो शायद आफ्टर इफेक्ट इसे इस स्क्रीन लाइन को और बढ़ा दे और ये आपको प्रीव्यू थोड़ा सा और दिखा दे। चलिए टेस्ट करते हैं, मैं इसे हाफ पे करूँगा। तो अगर मैं इसका रैम प्रीव्यू करूँ, रैम प्रीव्यू करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं और अपने नम लॉक से 0 का की दबाकर भी आप रैम प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आपको रैम प्रीव्यू नहीं शो हो रहा तो ये मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इस वीडियो को हाफ रेजोल्यूशन में किया तो ये ग्रीन लाइन पूरी की पूरी फिल हो गई है। तो अब आप इस वीडियो के प्रीव्यू को भी देख सकते हैं। तो ये था रेजोल्यूशन। तो उसके बाद हमारे पास है रीजन ऑफ इंटरेस्ट, आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके उस रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे है टॉगल ट्रांसपेरेंसी, अगर मैं इस वीडियो को अनविजिबल कर दूँ तो यहाँ पे तो मेरे पास है कंपोजिशन का कलर जो हमने कंपोजिशन क्रिएट करते वक्त बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट किया था, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड जो शो होगा, तो वापस इसे बैकग्राउंड कलर पे कर देते हैं। तो उसके बाद मेरे पास है एक्टिव कैमरा, तो ये सारे व्यू हैं, जब हम 3D में वर्क कर रहे होते हैं तब ये व्यू ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है, फिलहाल इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है, चलिए इसे वापस ले ऑन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये वन व्यू, ये व्यू है, आप कैसा अपना व्यू चाहते हैं इस प्रीव्यू विंडो का, यहाँ पे बहुत सारे व्यू हैं, ठीक है। तो मैं वन व्यू कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है टॉगल पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो करेक्शन, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास है फास्ट प्रीव्यू, यूजुअली ये अडेप्टिव रेजोल्यूशन में होता है। अडेप्टिव रेजोल्यूशन बहुत ही यूजफुल है जब आप कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशन पर वर्क कर रहे होते हैं। अगर आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड है तो यहाँ पे उसके ऑप्शन दिखानी शुरू हो जाएगी, फास्ट ड्राफ्ट और वायर फ्रेम, तो ये आपके ग्राफिक कार्ड की ऑप्शंस यहाँ आपको अवेलेबल मिलेंगी आपकी GPU की, ठीक है। तो ये CPU यूज़ कर रहा है इस समय, टाइमलाइन और ये सभी ऑप्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो राइट साइड में आएंगे हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट एक पैनल है, तो यहाँ से भी आप अपने
इफेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप सेम इफेक्ट चाहते हैं तो यहाँ से इफेक्ट्स और यहाँ से बहुत सारे वो सभी इफेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। पर यहाँ से अगर आपको पता है कि मुझे कोई स्पेसिफिक इफेक्ट चाहिए तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं तो वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं तो भूल गया कि वो वाला इफेक्ट किस में जाकर मिलता था, यहाँ से आप डायरेक्टली उसको सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैनल है, जब भी आप वर्क कर रहे होते हैं इसे ओपन ही रखें, ठीक है। तो इन्फो इन्फो क्या है, जहाँ पे भी आप अपना माउस कर्सर करेंगे तो ये आपको उसकी डिटेल शो करेगा, RGB, ठीक है, उसके कलर और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा। तो एक और बात रह गई कि अगर आपको लगता है कि आपके आफ्टर इफेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, आपने सभी कॉम्पोजिशंस, ये सारे कॉम्पोजिशन फोल्डर भी आपने क्रॉस कर दिए, ये भी क्रॉस कर दिया, टाइमलाइन भी, और ये भी क्रॉस कर दिया बाय एक्सीडेंट, और ये सभी पैनल आपने क्लोज कर दिए ऐसे, तो ये सिर्फ आपसे एक्सीडेंट में हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि वापस मैं इसे कैसे फिक्स करूँ, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो करना क्या है, तो यहाँ पे एक एसेंशियल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एसेंशियल लेआउट आपके पास अवेलेबल आपको मिलेगा। तो ये सारे लेआउट्स हैं कि आप अपने आफ्टर इफेक्ट को कैसे देखना चाहते हैं, तो ये प्री बिल्ड लेआउट है। तो अगर आप वापस यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, जो जिस पर हम पहले काम कर रहे थे, तो आपको पहले तो ये ऐसा ही दिखेगा। अब अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बटन है, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रीसेट टू सेफ डिफॉल्ट सेफ लेआउट, तो क्लिक करेंगे तो आपके पास वापस वो लेआउट अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अगर कुछ रह गया हो तो हम उसके बारे में अगले चैप्टर में बात करेंगे। या तो चलिए ठीक है गाइस, अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन का पार्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और भी इंडियन पीपल इस वीडियो का, इस कोर्स का फायदा उठा सके। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।